थोड़े भगवंत भाई जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हौसला अफजाई की है हर एक लीडरशिप का जिनी आम आदमी पार्टी की लीडरशिप है सारे का बहुत धन्यवाद तो सब तो वड्डा धन्यवाद पंजाब के मीडिया जिहड़ा इत्थे सारा पहुँचा होया तो शामिल होने तो पहले ही जो मैनू हौसला अफजाई आ रही है जो कल दे सानू फोन आ रहे हैं कि तुसी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हो सानू खुशी है क्योंकि आम आदमी पार्टी एक इमानदार पार्टी है जिथे कुर्सी की भुख नहीं है लोगों के हितों की भुख है गायकी दे विच मैं पा लिया बहुत कुछ पा लिया शोहरत पा ली दौलत पा ली पर सुकून नहीं मिलिया मन नूं कदे भी स्टेजा ते भी मैं बहुत बोली हाँ कि शुरू तो बचपन तो अज दी नहीं मैं जदों दा होश संभालिया उदों दा मैनूं रोस है सरकारां नाल मैनूं किसे बंदे नाल रोस नहीं है पर इस सिस्टम नाल रोस है जिथे किसानां दीआं फसलां मंडियां च रुलदियां ने जिथे मजदूर सड़कां ते रुलदे ने इन्हां दीआं महलां दीआं इट्टां विच दी किसानां दी जां मजदूरां दी दुखां दी आवाज़ नहीं जांदी जिथे धर्मां दे नां ते राजनीति हुंदी आ एंड आम आदमी पार्टी है जिहड़ी ये धर्म निरपक्ष पार्टी है किसी धर्म के नाते नहीं विकास के नाते राजनीति करती है अज जिहड़ा मेरा कारण है आउण दा मैं बहुत देर दी किसी राजनीतिक पार्टी च हुंदी क्योंकि जरूरी है इत्थे जिहड़े राजनीतिक परिवार इन्हां ने ठेका नहीं लिया कि यही बेईमानी वाला हत्था जिहड़ा इन्हां दे हत्थां च बेईमानी दीआं लकीरां ने जिहदे नाल लोकां नूं लुट रहे ने सो जिहड़े साडे असीं जिमीदार परिवार चों मैं मेरे पापा किसान ने सो किसान परिवार चों मैं संबंध रखदी हाँ तो मैं फैसला लिया कि मैं इस संगठन का हिस्सा बनांगी क्योंकि केजरीवाल जी ने जो दिल्ली दे विच एक बदलाव लिया एक लहर चलाई है जिथे सिक्ख्या तो ला औरतों की सुरक्षा तो ला विकास तो ला हर एक जो लोगों का पैसा लोगों पर लगाया गया एंड कितना बदलाव लिया रहे ने सोचो होर अगे पांच दस साल उत्थे की क्योंकि दिल्ली वर्गा जिहड़ा संघना शहर है जो उत्थे बदलाव सकदा तो इस पंजाब वर्गे खूबसूरत सूबे दे विच जिथे लोगों का क्रांतिकारी खून है जिथे लोग एक सच्चे बंदे नाल जुड़दे ने जे उही पार्टी इत्थे आउंदी आ तां उस चीज़ का साढ़े पंजाब दे विच कितना वड्डा फायदा होना सो इस चीज़ नूं जिहड़ा तुसीं लैके जाणा है मीडिया ने लैके जाणा जिहड़े मेरे वीर मेरियां भैणां इत्थे बैठियां क्योंकि अज लोड़ है जे तां असीं इन्हां दे थल्ले लग के रहिणा जिहड़े परिवार राजनीति चला रहे ने बादल ने कैप्टन साहब ने बादल साहब ने इन्हां दे परिवार अगे इन्हां दे बच्चे राजनीति कर रहे ने इह असीं राजनीति इत्थे कोई नहीं करदा इत्थे कोई कुर्सी लई नहीं लड़दा इत्थे लोकां दे हक्कां लई लड़न लई सारे बैठे ने कि लोकां नूं हक दवाए जाण मेरी जिंदगी मैं अज कह रही हां मेरी जिंदगी पंजाब लई समर्पित है जे भगत सिंह 23 साल दी उम्र च शहीद हो सकदा मेरी उम्र 29-30 साल दी 30वां साल आ मैनूं कोई किसे दा डर नहीं आ मैं मेरी जिंदगी अज तो बाद मैं सिर्फ पंजाब दे लेखे लाउणी है मैनूं जिथे आवाज चकनी पई आम आदमी पार्टी दा वर्कर तो लैके लीडरशिप तक मैनूं जिथे कोई कहूगा इत्थे आके अनमोल खड़ना इत्थे आके बोलना कोई मीडिया दा बंदा मैनूं कहूगा इत्थे आके खड़ना साडे नाल क्योंकि असीं सारे आम घरां दे बच्चे हाँ जिन्ना मीडिया भी खड़ा थोड़े भी धी पुत्त सो इन्हां लोटुआं दे थल्ले लग के असीं किन्नी देर जिउणा है किन्नी देर क्योंकि 1947 च इक देश नूं नाम दा आजाद कर दिता गया पर जिहड़े मीर जाफर ने जिन्हें 200 साल तक साडा मुल्क गुलामी च रखिया ये मीर जाफरां दी आत्मा इन्हां लीडरां च हुण आई होई है जे इन्हां च मीर जाफर दी आत्मा साडे च भगत सिंह दी आ साडे च करतार सिंह सराबे दी आ साडे च ऊधम सिंह दी आ असीं तैयार बैठे हां इट नाल इट खड़काउण नूं ते मैं अज इस काम च उतर रही हाँ क्योंकि मैनू कोई संगठन नहीं मिल रहा सी मैं इन्हां लोटुआं च तां जाणा नहीं सी जदों मैं दिल्ली च काम हुंदे देखे जदों मैं भगवंत मान वीर वर्गा इक लीडर देखिया जिहदे च इक जज्बा जिहदे च लोकां लई बोलण दा जज्बा इह नहीं मैटर करदा कोई कलाकार आ कोई की आ मैटर करदा तुहाडा अपने पंजाब लई लोकां लई गरीबां लई गरीब इत्थे कोई नहीं आ गरीब तां लोक ने असीं राजे हाँ असीं वोट पाउंदे हाँ इह सेवक ने सो सेवक नूं सेवक बण के रहिणा चाहीदा मालक तुसीं हो मालक असी हाँ जिहड़े असी वोट पाउने आ सो असी मालक नूं मालक बनाउणा ते सेवक नूं सेवक बनाउणा सो इस चीज़ लई असी आए हाँ ते मैं उम्मीद करदी हाँ कि पंजाब दा मीडिया निरपक्ष हो के मैनूं पता क्योंकि कल दा जो मैं पोस्टां ऑलरेडी पै रहीआं ने उस चीज़ तों मैं बहुत खुश हाँ ते जिन्नी इस इन्हां दी आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल जी तों लै के जरनैल जी बैठे ने बहुत कमाल दे इंसान लीडर
भगवंत मान वीर दी मैं कोई तारीफ दे नहीं कर सकती। इन्होंने बहुत इनकरेज किया इस चीज़ लिए, क्योंकि जो जनून जो जज्बे नाल है बेधड़क हो के हर थां ते बोलते ने वो एक, क्योंकि कई बार लोग कमियां कढ़दे ने, कल मेरे च भी कढ़णगे, क्योंकि जो ये किसी की किसी दौड़ ना सकन फिर वो लच्चां खिंचन लग जाते कोई ना कोई कढ़ के। सो असी ये देखना कि विकास कौन करा रहा, धर्मों के नाते वोटा कौन ले रहा। सो ये चीज़ के उत्ते असी संगठन आ, इत्थे सानू कोई मतलब नहीं किसी वोट नाल किसी राजनीति नाल, असी रल मिल के एक दूजे के हकों लिए लड़ना, असी पंजाब नू एक खूबसूरत पंजाब बनाउणा, ते तुहाडे सहयोग तो बिना कदे भी नहीं हो सकदा। मैं एक और पूछ देखो, मेरी पहली तरजीह इस संगठन नू आ, लोगों के हितों नू आ, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म से मेरे ना करोड़ों लोग जुड़े हुए ने। सो करोड़ों लोगों नू आपां मैसेज, हाँ जिहड़े मेरे शो ने ये मैं इन्हां नू तरजीह नहीं देऊंगी, गाणियां राही जिथे करोड़ों लोग आपां ही सुणन वाले आ, मैनू पंजाब के किसान पंजाब के मजदूर पंजाब दी धीआं भैणां सुणदियां, उहदे राही असीं सुनेहा जरूर देवांगे, क्योंकि छड्डी दी ओह चीज़ हुंदी जिहदा कोई नुकसान होवे। पर हाँ बिल्कुल, मेरी जिहड़ी पहली प्रैफरेंस है, मैनू कोई गीत का नहीं, कोई किसी चीज़ का नहीं, जिथे मैनू कोई पंजाब की किसान जथेबंदी है, मजदूर जथेबंदी है, अध्यापक जथेबंदी है, जिथे कह दूँ मेरी जिंदगी पंजाब लई समर्पित। ओ मैं थोड़ा जिहा मैं भी चैट कर देना, बल्कि मैं भी इन्हों जो मीटिंग हुई सी, जिन्हें भी मीटिंग हुई मैं वो यही कहा कि जोड़ा तुहाडा परमात्मा ने कला दी हुई है तुसीं उहनू छड्डियो ना, क्योंकि रोजी रोटी लई जिहड़ा जिहड़ी साडी पॉलिटिक्स है ये साडा पैशन है, ये प्रोफैशन नहीं है, ठीक है ना। सो कोशिश तो पहला मैं भी की थी कि शायद मैं अपने सीरियल नू कंटिन्यू कर लेंदा, पर 2014 जो मैं बनया जां 2012 जो मनप्रीत नाल गया तां जिहड़ा पेचा जिहड़ा सुखबीर बादल होरां नाल, वो तो किसी काम करन दिंदे ही नहीं। सो सुखबीर बादल होरी भी आपदे बिजनेस करते हैं, खेतियां करते हैं, ट्रांसपोर्टा करते हैं, जरूरी नहीं है जी किसी किसान ने आम आदमी पार्टी या पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी उन्हें खेती छड़नी पेगी, ठीक है ना, जब किसी वकील ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी उन्हें वकालत छड़नी पेगी। सो नाल जे इट्स अप टू हर के वो किन्ना टाइम पार्टी दे पाते हैं या किन्ना टाइम अपने प्रोफेशन नू, पर पार्टी वालों इस तरह की कोई शर्त नहीं हैगी कि वो जिस कारण बिलकुल सौखा। देखो ओ मेरा ओ मैटर करता कि केड़ा कलाकार कलाकारी नू ए लैंदा कि मैं रब बन गया। मैं कदी मैं हमेशा आम इंसान बन के जिंदगी कढ़ी है, मैं इनू एक किते दे तौर ते लिया, मेरा शौक है उस चीज़ नू लैके। पर इस चीज़ का यह कोई मतलब नहीं है कि मैं इस चीज़ नू लैके कहूँगी कि मैं तो कोई स्टार हाँ जो कुछ भी हाँ, क्योंकि मेरा पहला फर्ज आ मेरे समाज प्रति अपने फर्जा निभाना। सो कोई टीचर आ, कोई अध्यापक आ, कोई वकील आ, कोई जज आ, सब तो पहला उहदे समाज प्रति भी फर्ज बनते हैं। ये थोड़े हर एक बंदे ते डिपेंड करता कि किनू अपने समाज ना किन्ना प्यार है। सो मैनू इन्हां चीज़ां का कोई नहीं है, मेरे लिए मैनू लोड़ पई तो मैं सब कुछ छड्ड भी सकदी हाँ, पर लोगों की मैं डिसाइड कर लिया कि मैं लोगों के हितों च खड़ी हाँ, खड़े रहना जदों तक मेरा आखिरी सांह चलता।